दोस्तों पंजाब विच 7 नवीं भर्तियों लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं जी। 10,000 प्लस पोस्टां लिए तुसीं अप्लाई कर सकते हो जी। दोस्तों अप्लाई तुसीं करना कि मैं ते कौन कौन अप्लाई कर सकता सारी जानकारी डिटेल च देंगे। कृपा करके वीडियो लास्ट तक जरूर देखियो। दोस्तों जेकर तुसीं मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो नीचे तुहानूं ब्लैक कलर का सबसक्राइब बटन दिख रहा होगा, हुण दब के तुसीं चैनल सबसक्राइब कर लेना जी। नाल ही तुहानूं बैल आइकन दिख रही होगी, हुण दब के तुसीं आल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना जी। दोस्तों पंजाब स्टेट में जो भी नवी भर्ती आए उसकी सही और सटीक जानकारी सब तो पहले तुहानूं मिल सके। चलो दोस्तों वीडियो शुरू कर दें। दोस्तों पोस्टां ने जी चपड़ासी फीमेल सेवादार टीचर ड्राइवर कनैक्टर सिपाही और होर भी बहुत सारिया पोस्टां ने जिन्हां लई तुसीं अप्लाई कर सकते हो जी। वीडियो एक बार जरूर देखियो। योग्यता जी 8वीं 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा तुसीं कंप्लीट किया है तो तुहाडे लई बहुत ही वधिया मौका आ चुका जी। मुंडे और कुड़ियां दोनों लई सुनहरी मौका आ चुका जी, अप्लाई जरूर करियो जी। चलो दोस्तों आपां चलदे हां नोटिफिकेशन नंबर एक। नोटिफिकेशन नंबर एक जी, नोटिफिकेशन जारी किया गया जी ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन वालों नोटिफिकेशन जारी किया गया जी। दोस्तों वीडियो चंगा लगे तो वीडियो लाइक करते अपने फ्रेंड सर्कल शेयर जरूर करो जी। दोस्तों कल इस नोटिफिकेशन के उपर प्रॉपर वीडियो बना के मैंने अपने चैनल के उपर अपलोड कर दी जी, अज फिर तो मैं रिपीट कर लगा जी। दोस्तों इश्तिहार नंबर 1/8/2023 नोटिफिकेशन जारी किया गया जी। अप्लाई तुसी करना होगा जी ऑनलाइन, ऑनलाइन अप्लाई 16/3/2023 आज तो स्टार्ट हो चुका जी, जो लास्ट डेट है जी 10/4/2023 तक तुसी ना पोस्टां लई अप्लाई कर सकोगे। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है जी 15/4/2023 तक तुसी ना पोस्टां लई अप्लाई कर सकते हो जी। दोस्तों इन्हां पोस्टां लई केवल मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जी। टोटल पोस्टां ने जी 131 पोस्टां ने बस कंडक्टर दीआं। इन्हां पोस्टां लई जिन्हां ने 10वीं पास की है अते ड्राइविंग लाइसेंस उन्हां कोल है अते होर भी डिप्लोमा तुसी कंप्लीट किया कंडक्टरी वगैरह का तो तुसी अप्लाई कर सकोगे। अप्लाई तुसी इन्हां दी ऑफिशियल वैबसाइट के उपर जाके ऑनलाइन कर लेना जी। पोस्टां डिटेल कुछ इस प्रकार है जी। जनरल दीआं पोस्टां ने 54, 7 पोस्ट एक्स सर्विसमैन दीआं टोटल 61 पोस्टां ने जी। एस सी दीआं पोस्टां ने 20, 3 पोस्ट एक्स सर्विसमैन दीआं टोटल 23 ने जी। ओ बी सी दीआं पोस्टां ने 31, 4 पोस्टां ने जी एक्स सर्विसमैन दीआं टोटल 35 ने जी। ई डब्ल्यू एस दीआं टोटल 12 पोस्टां ने जी। टोटल 131 प्लस पोस्टां लई तुसी अप्लाई कर सकते हो जी। चलो दोस्तों आपां चलदे हां नोटिफिकेशन नंबर 2 दे उपर। दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर 2 जी, नोटिफिकेशन सेम डिपार्टमेंट वालों जारी किया गया जी। अप्लाई करने की डेट भी सेम होगी जी। पोस्टां ने जी हैवी बस ड्राइवर दीआं पोस्टां ने टोटल 46 प्लस पोस्टां लई तुसी अप्लाई कर सकते हो जी। अप्लाई भी तुसी ऑनलाइन करना होगा जी। पोस्टां डिटेल कुछ इस प्रकार है जी। जनरल दीआं पोस्टां ने जी 19, 3 पोस्टां ने जी एक्स सर्विसमैन दीआं टोटल 22 ने जी। एस सी दीआं पोस्टां ने 7, 1 पोस्ट है जी एक्स सर्विसमैन दी टोटल 8 ने जी। ओ बी सी दीआं पोस्टां ने 11, 1 पोस्ट है जी एक्स सर्विसमैन दी टोटल 12 ने जी। ई डब्ल्यू एस दीआं टोटल 4 पोस्टां ने जी। टोटल 46 प्लस पोस्टां लई तुसी अप्लाई कर सकोगे। चलो दोस्तों आपां चलदे हां नोटिफिकेशन नंबर 3। दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर 3 जी, नोटिफिकेशन जारी किया गया जी बाल भारती पब्लिक स्कूल लुधियाणा वालों नोटिफिकेशन जारी किया गया जी। दोस्तों होर वधेरी जानकारी लई तुसी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो जी। दोस्तों पोस्टां डिटेल कुछ इस प्रकार है जी। पोस्ट नंबर 1 है जी वाइस प्रिंसीपल, नंबर 2 है जी टी जी टी सबजैक्ट इतने मैनशन किए गए हैं जी। पी आर टी असिस्टेंट टीचर, डांस टीचर, म्यूजिक टीचर, थिएटर इंस्ट्रक्टर, आर्ट टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्विमिंग कोच फीमेल, सिविल इंजीनियर आदि की पोस्ट लई तुसीं अप्लाई कर सकोगे। दोस्तों इन्हां पोस्टां लई क्वालिफिकेशन कुछ इस प्रकार है जी। पोस्ट नंबर 1 लई है जी मास्टर डिग्री तुसीं कंप्लीट की है संबंधित सब्जैक्ट नाल, बी एड एम एड तुसीं पास की है, 5 साल का तुहाडे कोल एक्सपीरियंस है तो तुसीं अप्लाई कर सकते हो जी। पोस्ट नंबर 2 तो लेकर 6 तक जी ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री तुसीं कंप्लीट की है, बी एड पी टैट सी टैट तुसीं क्लीयर किया तो तुसीं अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट नंबर 7 लई है जी ग्रेजुएट डिग्री तुसीं कंप्लीट की है इंग्लिश साइंस मैथ हिंदी एस एस टी कंप्यूटर आदि विच, बी एड पी टैट सी टैट तुसीं क्लीयर किया तो तुसीं अप्लाई कर सकते हो जी। पोस्ट नंबर 8 तो लेकर 10 लई डिग्री डिप्लोमा तुसीं कंप्लीट किया डांस म्यूजिक थिएटर विच तो तुसीं अप्लाई कर सकोगे। होर क्वालिफिकेशन इतने मैनशन की गई है तुसीं इतों देख सकते हो जी, जो योग होणगे जी अप्लाई जरूर करो जी। दोस्तों एज लिमिट पे स्केल स्कूल रूल के अनुसार दिती जाएगी। दोस्तों जो उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे जी उन्होंने कॉल द्वारा या मेल द्वारा सूचित करता जाएगा। अप्लाई तुम्हें करना होगा जी ऑनलाइन, इन्हों की ऑफिशियल वैबसाइट उपर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर लेना जी। लास्ट डेट है जी 22/3/2023 तक तुम पोस्टां लई अप्लाई कर सकते हो जी। एप्लीकेशन फीस रखी गई है 100 रुपया जो तुम्हें ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी जी। चलो दोस्तों आप चलते हैं नोटिफिकेशन नंबर 4 दे। नोटिफिकेशन नंबर 4 जी, नोटिफिकेशन जारी किया गया जी आर्मी पब्लिक स्कूल ब्यास वालों नोटिफिकेशन जारी किया गया जी। उसके पोस्टां कॉन्ट्रैक्ट बेस से अनाउंसमेंट की गई हैं जी। पोस्टां डिटेल कुछ इस प्रकार है जी। पोस्ट नंबर 1 है जी पी जी टी सब्जेक्ट है जी इंग्लिश हिस्ट्री। क्वालिफिकेशन है जी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री तुम्हें कंप्लीट की है संबंधित सब्जेक्ट नाल, बी एड तुम्हें पास की है 50% नंबर नाल तो तुम अप्लाई कर सकते हो जी। पोस्ट नंबर 2 है जी टी जी टी सब्जेक्ट है जी इंग्लिश मैथमैटिक्स साइंस सोशल साइंस कंप्यूटर साइंस पंजाबी
हिंदी, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट। टीचर दी पोस्टां लई तुसीं अप्लाई कर सकते हो। जो क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन तुसीं पास कीती है संबंधित सब्जेक्ट नाल, बी एड तुसीं पास कीती है 50% नंबर नाल, तां तुसीं अप्लाई कर सकोगे। दोस्तों होर बहुत सारिया पोस्टां ने, उन्हां दी क्वालिफिकेशन इत्थे मैनशन की गई है जी, इत्थों तुसीं रीड कर लेना जी। रीड करन तो बाद तुसीं इन्हां पोस्टां लई अप्लाई कर लेना जी। जो कोच दी पोस्टां ने जी, उन्हां दी क्वालिफिकेशन इत्थे मैनशन की गई है जी, इत्थों तुसीं देख सकते हो जी। जो एडम स्टाफ दी पोस्टां ने जी, मल्टी टास्किंग स्टाफ दी, उन्हां दी क्वालिफिकेशन इत्थे मैनशन की गई है जी, तुसीं इत्थों चैक करके अप्लाई कर लेना जी। इन्हां पोस्टां लई कंप्यूटर टेस्ट, राइटिंग स्किल्स और इंटरव्यू के आधार से बड़ा सिलेक्शन किया जाएगा। जो नवे उम्मीदवार ने जी, वो 40 साल तक की एज तक अप्लाई कर सकते हैं जी। जिन्हों को एक्सपीरियंस है वो 57 साल तक की एज तक अप्लाई कर सकते हैं जी। अप्लाई तुसी करना किवें आ जी? दोस्तों अप्लाई तुसी करना जी ऑफलाइन। अप्लाई करने लई तुहानू एक एप्लीकेशन फार्म की जरूरत होगी। एप्लीकेशन फार्म तुसी स्कूल के ऑफिस में प्राप्त कर लेना जी। तो एप्लीकेशन फीस रखी गई है 100 रुपया। जो तुम्हें बनाना है डी डी तुम्हें बनाना जी, प्रिंसीपल APS ब्यास के नाते बनाना होगा। अप्लाई करने की लास्ट डेट है जी 28 मार्च 2023 तक, डाक द्वारा तुम अप्लाई कर सकोगे। एड्रैस तो मैनशन किया गया, इस एड्रैस से तुम्हें डॉकूमेंट्स भेज देने जी। चलो दोस्तों आप चलते हैं नोटिफिकेशन नंबर पाँच जी। नोटिफिकेशन जारी किया गया जी, आसा स्कूल चंडी मंदिर वालों नोटिफिकेशन जारी किया गया जी। दोस्तों इन्होंने पोस्टा डायरेक्ट तो इंटरव्यू होगा जी। दोस्तों पोस्टा कॉन्ट्रैक्ट बेस से अनाउंसमेंट की गई ने जी। दोस्तों एड्रैस नोट कर लो, जिस एड्रैस से तुम इंटरव्यू लिए पहुँचना जी, आसा स्कूल सैक्टर सी चंडी मंदिर कैंट के एड्रैस से 20 मार्च 2023 को 10 बजे तो लैके 12 बजे के विचकार तुहाडा इंटरव्यू होगा जी। रिपोर्टिंग टाइम है जी 8:30 बजे की। 8:30 बजे तुसीं अपने ओरिजिनल डॉकूमेंट्स अते सैल्फ अटैस्ट कॉपीज लैके पहुँच जाना जी। जिन्हां उम्मीदवारों को एक्सपीरियंस होगा उन्होंने पहल दी जाएगी। पोस्ट एंड डिटेल कुछ इस प्रकार है जी। पोस्ट नंबर 1 है जी असिस्टेंट टीचर की पोस्ट है जी। DEd BEd तुसीं क्लीयर कीते 1 तो 2 साल का तुहाडे कोल एक्सपीरियंस है, तुसीं अप्लाई कर सकते हो जी। पोस्ट है जी 1 चपड़ासी मेल अटेंडेंट की पोस्ट है जी, फीमेल अटेंडेंट की पोस्ट है जी। 10वीं तुसीं पास कीते तां तुसीं अप्लाई कर सकते हो जी। पोस्ट है जी 1 एज लिमिट है जी 58 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं जी। ये पोस्टा 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट बेस से अनाउंसमेंट की गई ने जी। दोस्तों होर बधेरी जानकारी लई तुसीं मेल आई डी मेल करके जानकारी प्राप्त कर सकोगे। चलो दोस्तों आप चलते हैं नोटिफिकेशन नंबर छे जी। नोटिफिकेशन जारी किया गया जी अजीत प्रकाशन समूह नहरू गार्डन रोड जलंधर वालों नोटिफिकेशन जारी किया गया जी। पोस्टा डिटेल कुछ इस प्रकार है जी। अजीत समूह नूं अपने जलंधर स्थित मुख दफ्तर विखे ऑफिस सैकटरी फीमेल की लोड़ है जी। घट्टो घट योग्यता जी ग्रेजुएशन तुम पास की है, अंग्रेजी पंजाबी विच चंगी महारत हासिल है, तो तुम अप्लाई कर सकते हो जी। अप्लाई तुम किमें करना जी? तुम अपना कंप्लीट बायोडाटा एड्रैस से मैनशन किया गया जी। इस एड्रैस से तुम अपने डॉकूमेंट्स भेज देने ने जी। दोस्तों होर बधेरी जानकारी तुम हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो जी। चलो दोस्तों आप चलते हैं नोटिफिकेशन नंबर सत्त जी। नोटिफिकेशन जारी किया गया जी CRPF सेंटर रिजर्व पुलिस फोर्स वालों नोटिफिकेशन जारी किया गया जी। जिदे कॉन्स्टेबल दिया 9000 तो वध असामियां लई नोटिफिकेशन जारी करता गया जी। दोस्तों इन्हां असामियां लई योग्यता की होगी, उम्र सीमा की है जी, अप्लाई तुसीं किवें करना, अप्लाई करने की डेट की है, सारी जानकारी डिटेल च देंगे। कृपा करके वीडियो लास्ट तक जरूर देखियो। चलो दोस्तों वीडियो शुरू कर दें। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने कॉन्स्टेबल दिया असामियां लई नोटिफिकेशन जारी करता गया जी। कॉन्स्टेबल तकनीकी और ट्रेडमैन दिया 9000 तो वध असामियां लई तुसीं अप्लाई कर सकोगे। बहुत ही वधिया मौका आ चुका जी, जेकर तुसीं 10वीं पास कीती है तां तुसीं अप्लाई कर सकोगे। पोस्टां दी डिटेल कुछ इस प्रकार होगी। पोस्टां ने ड्राइवर मोटर मकैनिक व्हीकल मोची तरखाण टेलर ब्रास बैंड पाइप बैंड बिगलर माली पेंटर कुक बेटर कैरियर अते धोबी दियां 9212 असामियां लई तुसीं अप्लाई कर सकोगे, जिस विच खाली पईआं 107 असामियां फीमेल कैंडिडेट्स लई होणगीआं जी। जो मेल कैंडिडेट्स ने उन्हां लई 9105 असामियां ने जी, फीमेल कैंडिडेट्स लई 107 असामियां होणगीआं जी। इन्हां पोस्टां लई पंजाब दे मुंडे अते कुड़ियां दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकणगे। इन्हां पोस्टां लई अप्लाई तुसीं करना होवेगा जी ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई 27 मार्च 2023 तो स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट रखी गई है जी 25 अप्रैल 2023 तक। तुसीं ना पोस्टां लई वैबसाइट इत्थे मैनशन की गई है, इस वैबसाइट पर जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकोगे। पोस्टां डिटेल कुछ इस प्रकार है जी। ड्राइवर दियां पोस्टां ने जी 544, मोटर मकैनिक दियां पोस्टां ने जी मैनशन नहीं की गई, मोची दियां पोस्टां ने जी 151, तरखाण दियां पोस्टां ने जी 139, टेलर दियां पोस्टां ने जी 242, ब्रास बैंड दियां पोस्टां ने 172, पाइप बैंड दियां पोस्टां ने जी 51, बिगलर दियां पोस्टां ने जी 1340, पेंटर दियां पोस्टां ने जी 56, कुक दियां पोस्टां ने जी 2429,
ਵਾਸ਼ਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜੀ 403, ਨਾਈ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜੀ 303, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜੀ 811, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨੇ ਜੀ ਵਿਗਲਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜੀ 20, ਕੁੱਕ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜੀ 46, ਵਾਸ਼ਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ 3, ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜੀ 1, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ 13, ਬਰਾਸ ਬੈਂਡ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜੀ 24, ਪਾਈਪਨੀਅਰ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜੀ 11, ਮੈਸਨ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜੀ 6, ਪਲੰਬਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜੀ 1, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜੀ 4। ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ 10ਵੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਆ, 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਈਟੀਆਈ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ 10ਵੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੀਲਡ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੋ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ, ਅਤੇ ਜੋ SC BC ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਪੇ ਸਕੇਲ ਹੈ ਜੀ 21,700 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 69,100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।